भी इंजीनियर लोगों ने हमला किया था, सब बेरोजगार थे। राहुल गांधी ने भी इसको लेकर कमेंट किया है। देखिए, बेरोजगारी होना, महंगाई बढ़ना, ये देश की समस्याएं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देश की संसद पे हमला कर दिया जाए। ये तो अराजकता है, ये तो नक्सलवाद है। संसद जो है वो भाजपा की थोड़ी है, भारत के लोकतंत्र का मंदिर है, और उसके अंदर उत्पात मचाना, उसमें घुस जाना, पूरी एक बड़ी साजिश के तहत योजनाबद्ध तरीके से, तो मुझे लगता है वो लोग नौकरी मांगने नहीं गए थे, उनका मोटिव कुछ और है। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो नक्सलवाद है, और इस देश को कुछ लोग जो हैं नक्सलवाद के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं इस देश में, और ये देश का दुर्भाग्य है, लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि इस तरह की घटनाओं को क्रांति से जोड़ा जा रहा है। मैं देश के तभी सभी विपक्ष से अनुरोध करूंगा कि नरेंद्र मोदी से नफरत करने के चक्कर में देश से नफरत मत करो, संसद पे हमले को जस्टिफाइड करने की कोशिश मत करो। सर, राहुल गांधी उस टाइम पार्लियामेंट में मौजूद थे जिस समय हमला हुआ था। बीजेपी के कुछ लोगों ने कहा कि राहुल गांधी ने उनके साथ कुछ नहीं किया, जबकि कुछ सांसदों ने उनके साथ मारपिटाई भी की थी। तो क्या आप चाहते हैं कि बीजेपी चाहती है राहुल गांधी उनके उनका सर फोड़ देते हैं? अजीब तरह का सवाल है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो लोग इन उत्पातियों को, इन उपद्रवियों को क्रांतिकारी सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, ये देश के खिलाफ बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं।